दोस्तों, अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं और भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, बुढ़ापे में अपना जीवन व्यतीत करने को लेकर चिंतित रहते हैं, तो अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना में न केवल आप कम राशि जमा करवा कर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि बेवक्त मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। दोस्तों, इस पेंशन योजना में खाता धारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की मृत्यु होने पर उसके बच्चों को पेंशन मिलती रहती है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि जीवन भर पेंशन पाने के लिए आपको आजीवन इस खाते में पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है, और साथ ही पीएफ खाते की तरह सरकार इस पेंशन योजना में अपना अंशदान करती है। दोस्तों, इस योजना के मुताबिक 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। आयु और जितनी पेंशन आप हर माह चाहते हैं, उसके अनुसार हर माह पैसा जमा करवाने के लिए स्पष्ट नीति बनाई गई है। मतलब अगर आप हर माह 1,000 रुपए पेंशन चाहते हैं तो, और आपकी आयु 18 वर्ष है, तो आपको 42 साल तक हर माह 42 रुपए जमा करवाने होंगे। वहीं अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको 20 साल तक 291 रुपए हर माह जमा करवाने होंगे। 1,000 रुपए पेंशन के लिए आवेदन करने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 1,70,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह 2,000, 3,000, 4,000 और मैक्सिमम 5,000 रुपए हर माह पेंशन चाहने वालों के लिए उम्र के हिसाब से हर महीने प्रीमियम देना होगा। अगर आप फिलहाल 30 साल के हैं और चाहते हैं कि आपको हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन मिले, तो आपको 30 साल के लिए हर महीने 577 रुपए जमा करवाने होंगे। और अगर अकाउंट होल्डर की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 8,50,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, यह योजना 18 से 40 की उम्र के लोगों के लिए है। आपकी उम्र इस दायरे में कुछ भी हो, आपको मैक्सिमम 60 साल की उम्र तक ही पेंशन के लिए हर माह पैसे जमा करवाने होंगे। इसके बाद जिस पेंशन राशि के लिए आपने खाते में पैसे जमा करवाए हैं, वो आपको हर महीने मिलने लग जाएगी। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर इस योजना के अंदर खाता खुलवा सकते हैं। आप बैंकों की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी खाते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस खाते के अंदर प्रीमियम जमा करवाना बेहद आसान है। इस योजना के लिए प्रीमियम की ऑटो डेबिट की सुविधा देते हैं। इसके लिए आपको हर महीने बैंक नहीं जाना पड़ेगा। प्रीमियम की राशि तय तिथि को आपके अकाउंट से अटल पेंशन योजना में चली जाएगी। अगर किसी कारण आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो अटल पेंशन योजना की किस्त अगले महीने पेनल्टी के साथ आपके अकाउंट से कट जाएगी। यह पेनल्टी 100 रुपए के लगभग हो सकती है। दोस्तों, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, या सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर ईपीएफ अकाउंट होल्डर हैं, वह लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। दोस्तों, इस खाते में यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अकाउंट होल्डर की पत्नी को खाते में योगदान करने का विकल्प दिया जाएगा। ये खाता पत्नी के नाम पर बनाया रखा जाएगा। पत्नी शेष अवधि के लिए पेंशन खाते में योगदान कर सकती है, जब तक ओरिजिनल इन्वेस्टर की उम्र 60 साल नहीं हो जाती। दोस्तों, इस खाते की खास बात यह है कि खाते की मैच्योरिटी अभी भी मूल निवेशक की उम्र पर निर्भर करता है, ना कि पत्नी की उम्र पर। अगर निवेशक की उम्र 55 साल है और उसका निधन हो जाता है, और मान लीजिए पत्नी की उम्र 50 साल है, ऐसी स्थिति में खाता केवल 5 साल ही और चलाना पड़ेगा, ना कि 10 साल, और पत्नी को जीवन भर पेंशन प्राप्त होती रहेगी। पत्नी की मृत्यु के बाद सारी पेंशन जमा राशि नॉमिनी व्यक्ति को दे दी जाएगी, और यदि पत्नी अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद खाता जारी रखने का विकल्प नहीं चुनती है, तो सभी संचित राशि पत्नी को दे दी जाएगी। यदि कस्टमर अनमैरिड है या पत्नी की मृत्यु पहले हो चुकी है, तो जमा राशि उसी समय नॉमिनी व्यक्ति को दे दी जाएगी। दोस्तों, 60 साल की उम्र से पहले मृत्यु होने पर या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अटल पेंशन योजना खाता बंद किया जा सकता है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना में निवेश के लिए धारा 80CCD और धारा 80CCDB के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, मैच्योरिटी के बाद प्राप्त पेंशन इनकम टैक्स योग्य है। आपको हर वर्ष इस पेंशन पर अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, आप भी अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए इस पेंशन योजना का फायदा ले सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।